सामने मोबाइल कैमरे वाले एकदम सामने देखे बहुत भैया गाइस 20th जैन को छतरी वाली आ रहा है इसी के तो छतरी खोली थी आपने जो बंद करवा दी वापस दो सोलो फ्रेम में आ रहे ना तेरे कैमरा मेरे रकुल नाम भैया सेंटर है मैम यहाँ पे रकुल जी मैम है सेंटर रकुल जी सेंटर में मैम भैया अच्छा सीटें मैडम देखा तुम ये देख लेंगे ओके थैंक यू बाय बाय सनाज जी सोलो का तो सेंटर में नहीं नहीं सही अच्छा दिखेगा नहीं वो फिर नाम गाइस देसी वाइब्स विद शहनाज के जरूर देखना बिल्कुल 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 यहां देखिए आपके लेफ्ट में सेना जी सामने सेना जी भैया राइट में आपके आपके लेफ्ट में मैम हैप्पी न्यू ईयर मैम इधर सेम टू यू हैप्पी लोहड़ी हैप्पी मंगल सब टूट पड़ेगा जो बोल रहा है ना यू हैव टू लिसन एंड उनको बोल के चुप रहो साइलेंस गाइस हां जी फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी लोहड़ी व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द शो काफी अमेजिंग जा रहा है शो काफी लोग आए काफी लोग चर्चा भी कर रहे थे शो की आप कुछ बताना चाहोगे शो के बारे में आज की आज रकुलप्रीत आई थी मेरा फोर्थ एपिसोड है एंड मैं तीन एपिसोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी एंड सक्सेसफुली बहुत अच्छे जा रहे हैं मुझे है कि ऐसे ही मैं लाइक शो करती रहूँ क्योंकि लोगों को मजा आ रहा है सो लोग वेट करते हैं कि शो कब आएगा सो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी प्लीज थैंक यू तो ऐसे है कि बस करती जाऊं प्राउड फील होता है देसी वाइब्स विद शहनाज गिल अपना शो है खुद का तो प्रे करो कि स्पॉन्सर मिल जाए अब कि खुद के पैसे हमारे जो लग रहे हैं वो बच जाए स्पॉन्सर हो जाए काफी अमेजिंग था राजकुमार जी भी आए थे विक्की कौशल और रकुल प्रीत आयुष्मान खुराना भी आए थे मैं आपसे जानना होगा इस शो की शुरुआत लाइक व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड द शो किस तरह से आपने सोचा कि ये शो करना चाहिए मुझे एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पहले तो मुझे लगता है कि हमें कुछ नेचुरल करना चाहिए लाइक नेचुरल चीजें बहुत कम देखने को मिलती है हमारे शो में कुछ ऐसे नहीं कोई आता है हम बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं हम कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करते किसी की पर्सनल लाइफ पे किसी को वैसे हम अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराते हैं और जैसी उनको बात करनी है हम वैसे बात करते हैं सो उनको भी कम्फर्ट जोन आता है कि राइट हाँ बात करनी चाहिए तो हर कोई मजे करके जाता है तो ऐसे शोज भी बने चाहिए क्योंकि सबको नहीं तो किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं ये कर लो ये पूछ लो तो हमें ऐसी फुटेज नहीं चाहिए आई होप आप कमेंट सेक्शन पढ़ते होंगे सबसे हाँ। ज्यादा कमेंट आज तक आपको ये आया कि शो पे सलमान सर कब आने वाले इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे
आप प्रे करो कि सलमान सर मेरे शो में आए. बस यही बोल सकती हूँ. सब लोग की यही दुआ है कि सलमान सर आए, किसी का भाई किसी की जान जब भी हो पूरी स्टार कास्ट आपके शो में आए. उसके लिए आप अगर कुछ हिंट देना चाहो ऑडियंस को. मुझे कोई आइडिया नहीं है खुद को, लेकिन अगर आए तो बहुत अच्छी बात है. yes. प्रमोशन ही तो कर रहे हैं हम मूवीज की. right. तो उसमें तो मैं खुद उस मूवी में मैं खुद भी हूँ. हाँ, तो अगर आए तो बढ़िया बात. yes. है, मुझे तो आओ, मैं सबका वेलकम करती हूँ. ओके okay, तो आज की मैं बात कर लूँ, रकुलप्रीत जी आई थी जिसकी शो आने वाला है छतरी वाली. उसका कॉन्सेप्ट काफी अमेजिंग है. आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट और ट्रेलर के बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा स्टेप है के सेक्स एजुकेशन की बात करना. Correct. और वो लोगों को अवेयरनेस लानी उस पे कि ये कुछ गलत नहीं है, एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है. तो एजुकेशन हमें बच्चों को फैमिली को ऐसे नहीं फील कराना चाहिए नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. तो ऐसे नहीं, एजुकेशन देनी ज़रूरी है क्योंकि इससे बीमारियां नहीं लगेगी एंड काफी कुछ है ना, प्रिकॉशंस जरूरी है लाइफ में. अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2023 एज अ प्रोफेशनल वाइज? 2023 मेरा है. ऐसे देखती हूँ कि ये 2023 मेरा है. और कुछ अगर OTT या फिर ऐसा कुछ अगर एक्सप्लोर करना हो तो क्या कुछ एक्सप्लोर करना? कुछ भी, OTT थिएटर कुछ भी आए, ग्रोथ करनी है बस लाइफ में. तो ऐसे होती जाएगी तो बस काम करना है. As an actor, काम करना है. इंडिपेंडेंट सॉन्ग आने वाले समय में अगर कुछ आप बताना चाहो? ये हाँ, कुछ बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी सारे अपने पत्ते खोल दूंगी तो बचेगा क्या. yes, थोड़ी एक्साइटमेंट. ठीक है शैला जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच.